स्वागत आपका हमारे चैनल हमारा आयुर्वेद में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हैं सत्यानाशी के फूल कलेक्ट करने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सत्यानाशी पौधे की पहचान। तो ये देख सकते हो ये सत्यानाशी का पौधा है, ठीक है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसके अंदर ये फूल होता है और इसके अंदर यहाँ पर बीज बनेंगे, ठीक है, तो फल कह लें इसके, बीज कह लें। तो ये हमारे स्टूडेंट यहाँ पर इन्हें फूलों को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक नुस्खे में इसके फूल की आवश्यकता थी, तो हम यहाँ पर काफ़ी दूर लेने आए हैं इसके फूल। अब दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को सत्यानाश कर देता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में सत्यानाशी कहा गया है। ये देख सकते हो दोस्तों मेरे स्टूडेंट इनके फूलों को कलेक्ट कर रहे हैं। अब जिस दोस्त को सोराइसी, चंबल, धारर, खुजली, खारिश, ज़्यादा बड़े शरीर पर जख्म घाव होना, तो उनके लिए अगर आप इसका अरक इस्तेमाल करते हो सत्यानाशी का, तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों मर्दाना ताकत में इसके फूलों का बहुत बड़ा एक योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अहम है। जो दोस्त सत्यानाशी को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फल फूल रही है, जैसे कि बड़े बड़े पेड़े हैं, तो सत्यानाशी के इस तरह के पेड़ ला के और उसे कूट पीट के इसका पानी निकाल ले, ठीक है। अगर जो दोस्त पानी भी नहीं निकाल सकता तो इन्हें ला के और इसे सुखा ले अपने घर पर ला के, तो मैं आगे आगे आपको इसके लिए एक नुस्खा बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त, जो दोस्त करना चाहता है वो कर सकता है, तो मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ की पहचान और करा देता हूँ, यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा खूब कला हो रही है, ये देख सकते हो, मैं खूब कला की आपको पहचान करा देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों ये खूब कला का पेड़ है, ठीक है, ये खूब कला है, तो आप अच्छे से इसे देख लो, इसकी पहचान कर लो, ठीक है। इस तरह सरसों की तरह ही होती है, इस तरह इसके फूल होते हैं और इस तरह इसके पत्ते होते हैं खूब कला के, ठीक है, जिसे हम बुखारों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुखारों के लिए खूब कला को मुनक्के में रख के इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो जो छोटे बुखार होते हैं, जो बुखार हड्डियों का बुखार होता है, बारीक बुखार नहीं निकलता, वो उसे सब निकाल के फेंक देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में यह खूब कला हो रही है, ये देख सकते हो, ये रहे इधर, ये रही, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खूब कला हो रही है। और खुरंड बाथू है, तो काफ़ी सारी जड़ी बूटी हैं, क्योंकि अब हम इसके फूल कलेक्ट करने लगे हैं। तो फूल कलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर हम इसे सबको यहाँ से काट के ले जाएंगे और अपने इस्तेमाल में लेंगे। जो दोस्त करना चाहता है, इस्तेमाल में लेना चाहता है, वो भी अपने पास से आसपास जो भी हो इनके फूल कलेक्ट कर ले और इसके पेड़े काट के कलेक्ट कर ले, फिर इसका हम आगे आगे अर्क बनाएंगे और आपको सबको लाइव दिखाएंगे दोस्तों। तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ी है, क्योंकि देख सकते हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ कांटे होते हैं, देख सकते हो आप, करीब से मैंने आपको दिखा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ कांटे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो। तो बस बहुत ज़्यादा सावधानी से निकालना होता है, क्योंकि कई बार हाथों में इतने कांटे लग जाते हैं ना कि वो सुई वगैरह से निकालने पड़ते हैं, वो आसानी से निकलते भी नहीं हैं, इस तरह इसके फूल होते हैं। तो मैं आगे आगे आपको बताऊँगा इसका नुस्खा कैसे बनाना है दोस्तों।